जी हम लोग जा रहे हैं ब्रैन के एक्सरे करवाने के लिए। इस टाइम पे मैं लिफ्ट में हूँ या तरफ जा रही हूँ। ये रहा मेरा रूम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि मैंने आपको भी पिछले व्लॉग में बताया कि मैं इस टाइम पे हॉस्पिटल में हूँ और सुबह के 6 बज रहे हैं। हुरैन फातिमा को अभी एक और ड्रिप लगी है, उसमें इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं और इस मेडिसिन के बाद हुरैन का एक्सरे होगा। और दुआ कीजिएगा कि एक्सरे में कुछ भी ऐसा वैसा ना है जो परेशानी का बायस बने। और हुरैन फातिमा का चेस्ट का एक्सरे है क्योंकि उसका आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा उसका ना सांस बहुत ज़्यादा बंद होता है और बॉडी उसकी बिल्कुल ब्लू हो जाती है। तो और बॉडी उसकी बिल्कुल ब्लू हो जाती है इसलिए जो है उसका सीने का एक्सरे उन्होंने लिख के दिया है और दिमाग की ईईजी लिख के दी है। तो आज भी इंशाल्लाह वो ज़रूर करवा लूँगी क्योंकि रात को हम काफ़ी लेट हो चुके थे और हुरैन की तबीयत स्टेबल नहीं थी और डॉक्टर ने कहा था कि एक्सरे के लिए स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेबी का। तो बस अब हम इसके इंजेक्शन के बाद अब हम चलते हैं और जो भी रिज़ल्ट आएगा जो भी रिपोर्ट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो थोड़ा सा मैं आपको बाहर का व्यू बता दिखाती हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है। सुबह 6 बजे का टाइम है और बहुत ही सुकून आ रहा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। ये देखिए आप ये देख सकते हैं मैं अपनी जो रूम है उस रूम से बाहर की तरफ आई हूँ। ये छोटी सी बैल्कनी बनी और यहाँ पे खड़ी हूँ। यहाँ का व्यू आप चेक करें किस कदर खूबसूरत है। ये हॉस्पिटल का जो है छोटा सा पार्क है और ये बराबर में ही एक शादी हॉल आप देख सकते हैं। और ये हॉस्पिटल की बैक साइड है जहाँ पे मशीन्स वगैरह हैं, आई थिंक जनरेटर वगैरह हैं और आई डोंट नो क्या कुछ है, बस मशीनरीज यहाँ पे चल रही हैं जो शोर शराबा है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए अभी यहाँ से सिर्फ इतना ही नज़र आ रहा है हॉस्पिटल। आप सफाई सुथराई चेक करें यहाँ की। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है कि सफाई के मामले में, स्टाफ के मामले में डॉक्टर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव अमला है यहाँ का। तो अब मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि आज के दिन में पूरा दिन क्या करती हूँ। आज 6 बजे से व्लॉग स्टार्ट किया है, सारा दिन में मैं आपको बताती हूँ कि बच्ची के साथ क्या क्या हुआ और क्या रिपोर्ट्स आई हैं। तो मेरे साथ रहिएगा जी। हम लोग जा रहे हैं हुरैन के एक्सरे करवाने। इस टाइम पर मैं लिफ्ट में हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसकी स्वेलिंग किस कदर हो रही है। बस अब एक्सरे के लिए हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो जी हम लोग आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे और अम्मी गई हैं स्लिप बनवाने के लिए, पेमेंट जमा करवाने एक्सरे की। तो बस जैसे ही अम्मी आती हैं पेमेंट जमा करवा के स्लिप लेकर तो फिर हम इंशाल्लाह इसके एक्सरे करवाते हैं और अल्लाह पाक खैर करे, दुआ कीजिएगा इसके लिए। देखिए आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं किस कदर सूज गई है, तो सारी स्वेलिंग हो रही है इसके फेस पे। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, प्लीज़ आप सब दुआ कीजिएगा मेरी बेटी के लिए। अल्लाह पाक मेरी बेटी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अदा करें। हमें अभी इसे अंदर लेके जाना है। ये रहा पूरा अंदर का सिस्टम। और
प्यारी बेटी है भाई, वाह वाह वाह, अरे तो बहुत अच्छी बेटी है। हम इसके बाल बना रहे, अच्छे अच्छे ब्यूटी पार्लर में बाल बना रहे। बात 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 जब तक लगेगी सो जाएगी धीरे धीरे। Thank you.